सब्सक्राइब करें गोल्डन कलेक्शन चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबा दें कॉइंस और नोट का वैल्यू सबसे पहले सही जानने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ इंडियन एरर नोट्स का कलेक्शन किया है, वही दिखाऊंगा आपको आज की वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक और फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का, तो उनको पता चले एरर नोट कौन से होते हैं और कैसे कलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने कुछ एरर नोट्स का कलेक्शन किया, वही आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये 10 रुपये के न्यू नोट का मेरा कलेक्शन एरर नोट का, इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, जो सीरियल नंबर है वो वाइट पेपर नीचे शिफ्ट हो गया था। ये सीरियल नंबर ऊपर शिफ्ट होता है, बट ये सीरियल नंबर नीचे शिफ्ट हो गया है। और ये मेरा 15 नोट के सेट का कलेक्शन, और 15 ही नोटों में दोस्तों जो सीरियल है वो नीचे शिफ्ट हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये नोट मेरी कलेक्शन में शामिल हो गया है। उसके बाद दोस्तों, ये भी 10 रुपये के नोट है न्यू वाले, तो उसमें पेपर कटिंग एरर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेपर कट चुका है और ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेपर आ गया है, तो उसमें ये फ़र्क आप देख सकते हैं। और ये 5 नोट का सेट आप मेरी कलेक्शन में भी ऐड हो गया है। उसके बाद दोस्तों, ये 100 रुपये का पेपर कटिंग एरर नोट है, तो आप देख सकते हैं ये पुराने नोट है 100 रुपये के, और यहाँ नीचे काफ़ी दोस्तों पेपर कटिंग एक्स्ट्रा हो गई है। तो यहाँ से गवर्नर तक पेपर यहाँ से कट चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ऊपर पेपर एक्स्ट्रा आ गया है, और यहाँ पे आपको गवर्नर भी लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो ये कलेक्शन मेरी कलेक्शन में ऐड हो गई है। तो बैक साइड में दोस्तों कटिंग एरर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये 15 नोट का सेट है मेरी कलेक्शन में भी ऐड हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये 10 रुपये का नोट है, पुराना नोट है, बट इसमें भी एरर है। तो एरर क्या है दोस्तों, सीरियल नंबर है यहाँ पे होता है, बट ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो उस नोट में ये फ़र्क है दोस्तों। और ये नोट बिल्कुल UNC कंडीशन में है। उसके बाद दोस्तों 10 रुपये का ये भी नोट है, तो उसमें आप देख सकते हैं ये नीचे आपको वाइट लाइन दिखाई दे रही होगी, तो इसे क्रीज एरर बोलते हैं। तो इस नोट में ये फ़र्क है, मतलब कि ये नोट थोड़ा एक्स्ट्रा है पेपर है। तो आप देख सकते हैं जो असली नोट है, जो दोस्तों देख सकते हैं ये जो नोट को प्रिंटिंग सही हुई थी इस नोट की हुई थी, बट इस नोट में एक्स्ट्रा पेपर आप देख सकते हैं, थोड़ा पेपर एक्स्ट्रा है, तो ये नोट थोड़ा खुल गया आप कह सकते हैं, इसमें ये एरर है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 20 रुपये का नोट है दोस्तों, देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी इंक एरर आया हुआ है, तो इंक काफ़ी फैल गई नोट के ऊपर, तो इसमें ये एरर है दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, 100 रुपये का नोट है, तो इस नोट में जो फ़र्क है आपको बैक साइड से पता चलेगा। तो बैक साइड में इंक एरर आया हुआ है, उस तो इंक सिंक की जो थोड़ी छपवाई है पीछे भी छप गई है, आप देख सकते हैं नीचे भी है और ऊपर भी आपको नज़र आएगी। उसके बाद दोस्तों, ये 10 रुपये का नोट है पुराने वाला, तो उसमें फ़र्क क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका जो सीरियल नंबर है दोस्तों एक डिजिट कम छपा है, आप देख सकते हैं जो 767 था के आगे दोस्तों 399 है, बट 3 यहाँ पे नहीं छपा हुआ, बट यहाँ 3 ऊपर छपा हुआ है, तो उस नोट में ये फ़र्क है। उसके बाद दोस्तों, ये 2 रुपये का नोट है, इसमें क्रीज एरर आपको देखने को मिलेगा या लाइन आपको देखने को मिलेगी, तो उसे क्रीज एरर बोलते हैं। और बैक साइड वाले नोट में भी क्रीज एरर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला नोट, तो इस नोट में भी आप देख सकते हैं क्रीज एरर है, तो नोट इसमें एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं नीचे आया हुआ है, तो इस नोट में ये फ़र्क है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये देख सकते हैं ये 50 रुपये का नोट है, इसमें एरर क्या है दोस्तों, इसमें आपको स्टैम्प देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये स्टैम्प मुझे लगता है रिम के ऊपर होती है, और इस ये नोट पे गलती से छप गई है, तो इस नोट में ये फ़र्क है। उसके बाद दोस्तों, ये 500 रुपये का नोट है, इसमें भी फ़र्क है, सीरियल नंबर काफ़ी ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो देख सकते हैं, तो ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ऐसे दोस्तों सीरियल नंबर इंसर्ट के ऊपर आता है, बट अब सीरियल नंबर काफ़ी ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ है। उसके बाद ये 10 रुपये का नोट है, तो इसमें भी एरर है, तो एरर ये है कि दोस्तों नोट सही से प्रिंटिंग नहीं हुई है, नहीं से प्रिंटिंग नहीं हुई हुई है, तो ये आप नोट में ये फ़र्क है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 500 रुपये का नोट आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर फैंसी है 016 है, आगे 00 है, तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेपर एक्स्ट्रा काटा हुआ, और नीचे से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो इस नोट में दोस्तों आपको ये फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये 20 रुपये का नोट है, इसमें पेपर कटिंग एरर है, सीरियल नंबर भी शिफ्ट है, और नीचे पेपर भी एक्स्ट्रा कटा हुआ है, और ऊपर भी पेपर एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इस नोट में ये फ़र्क है। तो दोस्तों, आपने कलेक्शन देख लिया, एरर नोट को समझ आ गया होगा एरर नोट कैसे होते हैं।
अगर आपको जानकारी समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया अरे नोट कौन सा, तो अगर आपको इस तरह के नोट मिले तो आप उन्हें संभाल के रख सकते हैं। अगर कलेक्शन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने कलेक्शन देख लिया और उम्मीद करता हूँ आपको कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर कलेक्शन पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएगा कलेक्शन कैसा लगा है। और हमने वेबसाइट भी बनाई अपनी goldencollection.co.in के नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब लिंक को क्लिक करें हमारे वेबसाइट पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट की जानकारी मिल जाएगी, वैल्यू और आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहिए, कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।